हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पे दुकान अभी झागी जो है पूरी झागी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लेने जाओगे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो दोस्तों आज है 2 अक्टूबर और आज है गांधी जयंती और गांधी जयंती के दिन यहाँ पे नैनीताल में निकाली जाती है झागी और किस तरह से निकाली जाती है वो आप लोगों को दिखा दें। उसी के साथ दिखा दें दोस्तों नैनीताल में माँ दुर्गा पूजा का मेला लगने वाला है। और भाई क्या कहना चाहते हैं मुकुल भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी का जन्मदिन है तो बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है हर जगह पे, तो देखो नैनीताल में भी हो रहा है आज। तो चलिए आप लोगों को चलते हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं कि नैनीताल में माँ दुर्गा पूजा का मेला लगने वाला है और उस मेले में क्या क्या बिकता है हम आप लोगों को डेली अपडेट देते रहेंगे। और मेला है दोस्तों 8 तारीख के बाद, 8 तारीख से मेला चालू हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। और अगर आप लोग नैनीताल आ रहे हैं और सस्ता माल खरीदना चाहते हैं, गरम गरम स्वेटर लेना चाहते हैं तो मेले में आ जाइए, इससे एक बड़ी आप लोगों को स्वेटर मिलेगा। और अभी हम जा रहे हैं झागी में तो आप लोगों को झागी दिखाएंगे किस तरीके से। बंद हो चुका है इस टाइम, गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब बंद हो गई, देखो कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको मॉल रोड में चलती हुई। अभी इस टाइम जो है मॉल रोड पूरा खुला हुआ है, तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना। गाइस हम पहुंच चुके हैं जहाँ तक झांकी पहुंची है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे गांधी जी भी बने हुए हैं। यहाँ पे देखें आप माता की, भारत माता की, पूरी झांकी दिखाते हैं आपको। अमर रहे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि नैनीताल में भी किस तरीके से झांकी निकाली जाती है 2 अक्टूबर के दिन। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे मेले की तरफ क्योंकि मेले की तैयारी चल रही है। पहले आप लोगों को झांकी दिखा देते हैं। तो यहाँ से मुकुल देखिएगा लॉगिन कर रहा है अभी। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर झांकी रुक गई है। हेलो हेलो, कैसे हैं आप? ये इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सभी स्कूल के बच्चे अपने सहराष्ट्रीय स्कूल के बच्चे हैं, सैनिक स्कूल के बच्चे हैं। ये अमर रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं गांधी जी भी जा रहे हैं यहाँ पे। भारत माता की, आमीन नारा, आमीन नारा, आमीन नारा, वंदे मातरम, राष्ट्रीय नारा, वंदे मातरम, राष्ट्रीय नारा, वंदे मातरम। अभी झागी जो है मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पहुंच चुके हैं और ग्राउंड की तरफ जाते हुए आपको दिखाते हैं। ये देखें सभी हमारे सहराष्ट्रीय स्कूल के बच्चे, सैनिक स्कूल के बच्चे। गांधी जी कुछ कहना चाहोगे? भैया बैनर सीधा करो, बैनर गाइज। हम पहुंच गए हैं सस्ते बाजार में, देखिए सारी दुकानें जो हैं लगने लगी हैं और ये सबसे सस्ता बाजार है। क्या हाल है संजय भाई? कहाँ से आ रहे हैं आप? बस बड़े हैं, थोड़ा सा मेला दिखा देते हैं, माँ दुर्गा पूजा का मेला चालू है। और यहाँ पे देखिए दुकानें सभी लगने चालू हो गई हैं, उसी के साथ काफी टूरिस्टों की भी आप भीड़ भी देख सकते हैं यहाँ पे।
और काफी आज दृश्य काफी क्लाउड है नैनीताल के अंदर। तो अभी आपको थोड़ा सा झील का नजारा दिखाते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं जहाँ पे मेला लग रहा है। मेला तो दोस्तों जैसा हमने आपको मानदंडा देवी में दिखाया था कि वहाँ पे मेला ग्राउंड में लगा था, तो वहाँ पे ही दुर्गा पूजा मेला लगेगा। तो अभी आप पहले देखें झील का खूबसूरत नजारा और उसी के साथ काफी यहाँ पे पर्यटक घूमते हुए, ये देखें आप। उसी के साथ हम आपको दिखा रहे हैं नैनी झील का खूबसूरत नजारा, ये देख सकते हैं आप। और झील के अंदर काफी बोटिंग करते हुए पर्यटक, और यहाँ पे देखें काफी पर्यटक जो है बोटिंग करके आ रहे हैं और काफी बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं। और यह है पर्दे वाली बोट, अगर आप लोग इस बोट में बैठने चाहते हैं तो बैठ सकते हैं, 500 इसका चार्ज है। और इस तरीके से खूबसूरत नजारा झील का आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर। फाइनली हम आ गए हैं ग्राउंड के अंदर, और जिस ग्राउंड में जो है दोस्तों मेला लगता है, तो आपने यहाँ पे देखा था माँ नंदा देवी के मेले में यहाँ पे सामने दुकानें लगी थी, और अब जो है माँ दुर्गा देवी के मेले में भी यहाँ पे दुकानें लगेंगी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों के झूले हैं वो आ चुके हैं, और यहाँ पे दुकानों की देखो तैयारी चल रही है। जैसे आपने देखा था हमने आपको दिखाई थी यहाँ पे किस तरीके से दुकानें बनी हुई थी, और अभी डेली आपको दिखाते ही रहेंगे। और 7-8 तारीख से यहाँ पे मेला चालू हो जाएगा। अगर आप लोग नैनीताल आना चाहते हैं, सस्ता माल खरीदना चाहते हैं, ठंडा माल खरीदना चाहते हैं, क्योंकि आने वाली सर्दी और सर्दियों के लिए आप लोग दोस्तों शॉपिंग करेंगे, तो नैनीताल आ जाइए। एक से एक बढ़िया आपको यहाँ पे जैकेटें मिलेंगी, एक से एक बढ़िया खाने पीने का सामान मिलेगा, और शॉपिंग के लिए तो दोस्तों एक से एक बढ़िया सस्ती यहाँ पे आपको सामान मिलेगा। ये देखो ये आ गए सारे झूले, तो यहाँ पे तैयारी चल रही झूलों की। तो जिस दिन मेला लगेगा वो भी आप लोगों को हम दिखाई देंगे। तो अभी जो है मेले की तैयारी चल रही है यहाँ पे। गाइज हम आ गए हैं अभी भोटिया इन तिब्बत मार्केट, और भोटिया इन तिब्बत मार्केट में भी हमें काफ़ी पर्यटकों की यहाँ पे भीड़ नज़र आ रही है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं भीड़। आप इधर इधर ही अपना चाट मार्केट है, और इधर अपना भोटिया मार्केट है, और यहाँ पे देख सकते हैं पर्यटकों को घूमते हुए, इंजॉय करते हुए, मस्ती करते हुए, खाते पीते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इधर निकल रही है छाए और इधर है धूप, दोनों साइड में देख सकते हैं। इधर अपना देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, इधर कितनी भयंकर तरीके से धूप निकल रही है, और ये अपना पूरा भोटिया एंड तिब्बत मार्केट, और इधर सामने अपना चाट मार्केट है, और इधर बराबर में माँ नंदा देवी मंदिर है नीचे को। और अगर आप लोग प्रसाद लेना चाहते हैं तो इधर से प्रसाद लेके जा सकते हैं आप लोग, बराबर में ही अपना जो है प्रसाद की दुकान है यहाँ पर, ये देखें। तो ये है माँ नंदा देवी मंदिर, यहाँ से एंट्री अंदर के लिए, और यह प्रसाद की दुकान, यहाँ से प्रसाद लिए और एंट्री के लिए यहाँ से गेट है, आराम से जाइएगा पूजा करके आइए। अगर उसके बाद अगर आप ठंडी रोड घूमना चाहते हैं तो इधर से रास्ता है, और शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी अच्छी मार्केट वगैरह बनी हुई है यहाँ पे। फाइनल गाइस इस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो दोस्तों अगर आप लोग आना चाहते हैं नैनीताल और मेले में सस्ती सस्ती शॉपिंग करना चाहते हैं, तो 7-8 तारीख से आ जाइए, यहाँ पे आप लोगों को पूरे ग्राउंड के अंदर यहाँ पे इधर साइड में मिलेगा मेला लगा हुआ। और इस मेले में इतनी बड़े बड़े वैरायटियाँ आती है ना, स्वेटर ले लो या घर के बर्तन वगैरह ले लो या कुछ भी खाने पीने का सामान ले लो, बहुत ही सस्ता मिलता है यहाँ पे, इतना मज़ा आता है ना मेले में। एक बार ज़रूर विजिट करिएगा और यहाँ का मेला करिए, यहाँ से शॉपिंग करके लेके जाइए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड।